मॉनिटर दिल्ली के अंदर, और आज आपको ऐसे सक्सेस से रूबरू कराएंगे जिन्होंने 4 महीने का सफर मुंबई से दिल्ली तक पैदल अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो इंडिया की पहली महिलाएं हैं जो अभी हज के लिए निकली हुई है मुंबई से और दिल्ली आ चुकी है। हम सीधा बात करेंगे सना जी, सबसे पहले माचार्य बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी, कैसे सोचा आपने इतना बड़ा फैसला, कैसे निकला? ये जो सफर था, ये इंडिया से जब हमारे श्याप चतुर है, आपको पता होगा, उन्होंने ये सफर किया था 2023 के हज के लिए। तो उनको देखने के बाद मैं उनसे इंस्पायर हुई थी कि मैं भी एक दिन पैदल हज करूँगी। ये महिलाएं भी कर सकती हैं। जी, ये मेरे दिल में ये नियत आई थी कि जब जेंट्स कर सकते तो लेडीज क्यों नहीं कर सकती है। तो मैंने तभी ये नियत कर ली थी कि मैं भी एक दिन पैदल हज करूंगी, और तब से 1 साल की प्रैक्टिस करने के बाद अभी हम 2025 की हज के लिए निकले। तो कितना टाइम हो गया, कब आप निकले थे घर से? हमारा ये सफर हमने मार्च में शुरू किया था, आज तकरीबन हमको 5 महीने हो गए। 5 महीने आपको कंप्लीट हो गया जी दिल्ली तक आपको जी शुरू हो हम गया। अभी दिल्ली में हैं। तो आप दिल्ली से कब रवाना किया आपने? अभी हमारा जो पाकिस्तान का जो वीज़ा है उसका काम प्रोसेस में है, काम चालू है। जैसे उसका काम हो जाएगा तो हम यहाँ से हमारा सफर वाघा बॉर्डर के लिए शुरू करेंगे। अच्छा, महिलाएं के लिए बहुत समस्याएं होती है अगर आप देखें तो, कि भाई सफर में निकलना अकेले बहुत सफर होते हैं, तो आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन आपके साथ है? ये सफर में मेरे शौहर जो है वो मेरे साथ है, जिस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, वो कदम कदम पे मेरे साथ ही है। आपके साथ ही है। जी, अच्छा, घर वालों की याद नहीं आती फैमिली वालों? सबकी याद आती है, क्या करेंगे, पर अभी ये नियत की है तो ये सफर को तो पूरा ही करना है। तो ये सफर कब पूरा होगा आपका? ये हमारा सफर 2025 में पूरा अच्छा, होगा। 2025 का आज आप कंपनी में जाएंगे। जी अच्छा, कुछ और बोलना चाहेंगे दिल्ली के हिंदुस्तानी जनता के लिए? आपको इतना प्यार दे रहे हैं हिंदुस्तान वाले, आपकी वीडियो मिलियन में जा रही है, आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। इतने 4 मंथ में आपने इतना मुकाम हासिल कर लिया दिल्ली तक का, तो क्या कहेंगे लोगों? मैं सबको, जो मेरी आवाम है, जो मुझे देख रहे हैं, जितने भाई बहन मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, उन सबसे मैं यही कहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी मेरे लिए दुआ करिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे दुआ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो काम है वो पाकिस्तान एम्बेसी में जो चल रहा है, तो आप लोगों की दुआ से वो ईजीली आराम से हो जाएगा। और वहाँ पहुँचने के बाद मैं सारे हिंदुस्तान के लिए दुआ करूँगी, हमारे इंडिया में अमन और तरक्की के लिए मैं वहाँ पर जाने के बाद दुआ करूँगी, और भाईचारा जो बना रहे ऐसे में वहां जाने के बाद दुआ करूंगी। अच्छा, आपका मुंबई से दिल्ली का जो सफर रहा है, इसमें आपको सपोर्ट कौन करते हैं, कैसे आपसे मिलिए, बंदे को कांटेक्ट में आते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे ही हम सफर करते हैं तो जो अवाम, जो वहाँ वो एरिया की जो पब्लिक है, उन्हें पता चल जाता है। तो जैसे उन्हें पता चलता है, हम वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें पता चल जाता है, तो वो हमारा इस्तकबाल करती है, आती है, हमसे मुलाकात करती है, दुआ की दरख्वास्त करती है। तो बस इसी तरीके से एक के बाद एक कांटेक्ट होता रहता है, तो उनका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा फिर एक दिन में कितने किलोमीटर का सफर आप तय करते हो? एक दिन में हमारा 25 किलोमीटर का टारगेट है, लेकिन अभी फिलहाल हम कम सफर कर रहे हैं, 15 15 से 16 किलोमीटर हम अभी सफर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका पाकिस्तान है, फिर आगे कौन कौन सी कंट्री पार करके आप? ये हमारा सफर जो है 5 कंट्री का है, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया। जी अच्छा, तो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग आप कुछ और बोलना चाहेंगे? कुछ बस कुछ मेरे आपको लिए सपोर्ट दुआ की जरूरत हो तो आप बोलिएगा। जी, आप अपनी, आपकी जो आवाम है उनसे कहिए मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की पहली महिलाएं हैं जो सना जी हमारे साथ बैठी हैं, जो मुंबई से मक्का मदीने के लिए हज के लिए निकली हुई है। तो आप लोग इन्हें जितना चाहे उतना आप सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे आप थोड़ा सा अपना बता दीजिए कि कहाँ कहाँ आपका मेरे वीडियो वगैरह इंस्टाग्राम, पोस्ट हाँ, किया मैं है। इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट देते हैं। हम इंस्टाग्राम पे, मेरा सना 771 ऑफिशियल करके अकाउंट है, यूट्यूब पर भी है, वहाँ पे हम पूरी अपडेट देते हैं डेली की, कि हम कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी फिलहाल तो हम दिल्ली में रुके हुए, दिल्ली में अयुब भाई है, उनके घर पे हम रुके, वही हमारा दिल्ली में सब देख रहे हैं, और एमबीसी में भी ज़्यादातर सपोर्ट वही कर रहे हैं हम। अच्छा, अगर थोड़ी सी बात हम करें तो हिंदुस्तान की महिलाओं को लेकर अगर आप एग्री है कर सकते हैं बातें? जी अभी जो कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ जो हुआ है, आपने आपने देखा भी होगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत दुख हुआ ये सब देख करके। आज जहाँ महिलाएं इतनी आगे है, जहाँ महिलाएं चांद पे जा रही है, आज महिलाएं किसी से कम नहीं है देखा जाए, और ये जो हमारे देश में हो रहा है, ये बहुत बुरा लगा, बहुत दुख है, ये नहीं होना चाहिए, बहुत दुख की बात है। चलिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ बोल दीजिएगा, तो अगर आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से यहाँ तक काम के लिए कुछ बोल दीजिएगा।
जैसे कहते एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लेडीज लेडीज का का हाथ, हाथ है, उसी तरीके से मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ। लेडीज के पीछे एक जिन जी हस्बैंड का हाथ है। अच्छा लास्ट सवाल है आपसे, इनमें फंडिंग का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट आपका अभी तक खर्च हो जाएगा, कितना लगेगा आपका कुछ? खर्चा इसमें बहुत ज्यादा है। हम जो हवाई जहाज से, जो प्लेन हाँ से हम सफर करते हैं, उससे दुगना खर्चा इसमें है। डबल खर्च हो जी जाता जी है। बहुत खर्चा है, क्योंकि हमें 1 साल कंटिन्यू सफर करना है, और फिर होटल वगैरह होटल बहुत वगैरह सारे खर्चे, 5 वीज़े लेने हैं, हज का वीज़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है ये पैदल सफर में, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी जी